डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट यूज़ क्यों किया जाता है? जो लिमिटेशंस हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में है, पहली बात तो ये है कि उसकी बेस के ऊपर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट सामने आया। जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये कि जब हमारे पास सिंगल मशीन पे प्रोसेसिंग पावर अगर कम होगी तो हम उसके ऊपर ह्यूज डेटाबेस सेव नहीं कर सकते। अगर हमारे पास डेटाबेस मल्टीपल साइट्स के ऊपर मौजूद होगा तो प्रोसेसिंग पावर हमें ज़्यादा मिल जाती है। एक और मेन रीज़न हमारे पास ये है कि अगर हमारा एक पीसी डाउन हो जाता है और उसके ऊपर मल्टीपल डेटा मौजूद है तो वो सेफ नहीं रहता। इसी तरह से अगर हमारे पास मल्टीपल साइट्स के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर डेटा मौजूद होगा, डेटाबेस अवेलेबल होगा, तो हमारा जो डेटा है वो सेफ रहता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो रीज़न है हमारे पास वो ये कि यहाँ पर जब आप डेटा को रिट्रीव करते हो तो टाइम कंजप्शन आपको इतना नहीं रहता। एक ही मशीन पर डेटा होगा तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा क्योंकि वहाँ पर प्रोसेसिंग भी ज़्यादा होनी है, और मल्टीपल साइट्स पर होगा तो जिस साइट का आपको जो डेटा चाहिए वो आप वहाँ से रिट्रीव कर सकते हो।